जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉस कमिंग अराउंड राइडिंग ऑन द स्लेज है। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, मैरी क्रिसमस। जी Merry हाँ Christmas. बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार एमपी के आज के अंक में। और आज का ये अंक आपके लिए लेकर आई हूँ मैं पुरवा राय। आज है बड़ा दिन। जी हाँ, इसको बड़ा दिन क्यों कहते हैं? बड़ा दिन इसलिए है कि आज के दिन के बाद हमारे जो दिन छोटे छोटे हुआ करते थे वो धीरे 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 बड़े होते जाएंगे। तो इस मैरी क्रिसमस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ मैं। साथ ही साथ दर्शकों, आज है तुलसी जयंती। जी हाँ, हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि जो तुलसी माँ है और जो पीपल का वृक्ष है वो हमें रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण घटक है हमारे इको तंत्र के, तुलसी माँ को इसीलिए हम अपने घर आंगन में लगाते हैं। आज तुलसी जयंती है तो आप सभी को तुलसी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक इन 7 दिनों में गुरु गोविंद जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। साथ ही साथ उसी रात माता गुजरी ने भी ठंडे बुर्ज में प्राण त्याग दिए थे। ये सप्ताह भारत के लिए इतिहास में शोक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो आज का दिन बहुत खास मायने रखता है हमारे इतिहास में। हमारे इतिहास में कहा जाए तो 3 विशेष दिन आज के दिन मनाए जाते हैं जिनको रूप में याद किया जाता है। तो ये तो थी बात आज के दिन की। और हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा नमस्कार एमपीए बहुत ही खास कार्यक्रम है, आप हमसे जुड़ सकते हैं अगले 1 घंटे तक, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। तो चलिए, इसके लिए कैसे, मतलब आप हमारे प्रोग्राम से कैसे जुड़ सकते हैं, हमारे फोन नंबर तो नोट करने पड़ेंगे ना आपको। तो चलिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए, जो कि हैं, लैंडलाइन नंबर है 07552660049। ये तो है हमारा लैंडलाइन नंबर। साथ ही साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर है। जी हाँ, ये बिल्कुल निःशुल्क नंबर है, आप इस पर हमें फ़ोन कर सकते हैं 1800233 0040। ये हमारे फ़ोन नंबर्स, और हमारे टीवी के स्क्रीन पर भी हमारे नंबर्स स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है, आज की तिथि क्या है। तो चलिए तिथि की ओर ध्यान दे लिया जाए। जी हाँ, विक्रम संवत 2080, अगहन है मास, शुक्ल पक्ष, 14 है तिथि, 25 दिसंबर 2023 है तारीख और दिन है सोमवार। साल का आखिरी हफ्ता, आखिरी सोमवार। और जी हाँ, आखिरी सोमवार के दिन आपके लिए नमस्कार एमपी सजा सवरा आया हुआ है। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो आपका दिन, यही हम कामना करते हैं। और जिन भी हमारे दर्शकों का आज जन्म दिवस है, जिन भी दर्शकों की शादी की सालगिरह है, उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ भी प्रेषित करता है दूरदर्शन परिवार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे कार्यक्रम के अनुसार आपको दिखाते हैं कि आज का दिन इतिहास में क्यों खास है, क्यों ये तिथि दर्ज है। तो इतिहास के झरोखे पर झांक लिया जाए। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का पहला सफल परीक्षण किया गया था। 1994 भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का निधन हुआ था, हम सभी ने उन्हें खो दिया था। चलिए अब बात कर ली जाए जन्म दिवस पर, तो आज किन किन का जन्म दिवस है देख लिया जाए। हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी का आज जन्म दिवस है। भारतीय फिल्मकार, भारतीय संगीतकार नौशाद अली का जन्म दिवस है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज जन्म दिवस है। और साथ ही साथ हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का भी जन्म दिवस है। राजू श्रीवास्तव जी का बहुत ही दुखद निधन हुआ था, कुछ समय पहले ही हमने उन्हें खोया था। क्यों खोया था, इस विषय में आगे चर्चा की जाएगी। चलिए अब आ जाते हैं एक विचार की ओर, क्योंकि एक छोटा सा विचार हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारी जो जीवन शैली है उसको बदलने में बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। तो चलिए आ जाते हैं आज के विचार की ओर। जी हाँ, हर कोई जो स्वयं की प्रशंसा करता है उसे विनम्र किया जाएगा, और हर कोई जो स्वयं विनम्र है उसकी प्रशंसा होगी।
ये मुख्य जो विचार दिए थे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए थे, इन विचारों को हम सभी अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, इसी प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे सब्जेक्ट क्या है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत ही खास होने वाला है। मुझे लगता है कि आप सभी इसको लेकर बहुत ही उत्सुक भी होंगे। तो चलिए दिखा दिया जाए कि आज के सब्जेक्ट्स क्या है। तो जो आज का सब्जेक्ट है वो है संतुलित आहार स्वस्थ जीवन का आधार, साथ ही साथ माइक्रोवेव कुकिंग स्वास्थ्य के लिए होती है हितकर। जी हाँ, ये बहुत ही हितकर होती है। बहुत से लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि माइक्रोवेव में सिर्फ और सिर्फ रीहीटिंग होती है। जी नहीं, आप पूरी कुकिंग कर सकते हैं इसके अंदर। तो इस विषय में बताने के लिए चलिए पहले सब्जेक्ट की ओर आ जाते हैं और मिलवा देती हूँ आपको हमारे विषय विशेषज्ञ से। तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट है संतुलित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, इसको बताने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारी अतिथि जो कि डॉक्टर प्रीति शुक्ला जी, डाइटिशियन है। इनका स्वागत कर लिया जाए। तो नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगले जो विषय है उसकी ओर बढ़ते हैं, जो है माइक्रोवेव कुकिंग, वो किस प्रकार से की जाएगी ये बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है श्री कमलकांत भौमिक जी। ये हेल्थ वेव एक्सपर्ट है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे कार्यक्रम में। तो चलिए क्यों ना डॉक्टर साहब के पास ही पहले पहुंच जाया जाए और डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व एक संयमित मात्रा में हमारी थाली में उपस्थित होते हैं। हमारे पोषक तत्वों में जैसा कि आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स, ये सभी होते हैं। जब हम आहार ले रहे हैं तो इन्हीं सब तत्वों का समावेश उस थाली में होना चाहिए, तो ये हमारे लिए एक संतुलित आहार बनता है। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई मैम। आप ये बताइए कि आज का जो नौजवान है, जो आज के तारीख में जो प्रचलित फूड है, क्या ये भी संतुलित आहार हो सकते हैं? देखिए, आजकल हम लोग बहुत सारी ग्लोबल क्यूजीन का फॉलो कर रहे हैं और हर जगह हम देखते हैं पिज्ज़ा, पास्ता, मैगी, बर्गर, ये सभी चीज़ें खाई जा रही हैं। तो नियमित रूप से इनका सेवन करने वाला ज़रूर से एक संतुलित आहार से वंचित रह जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम भारतीय पारंपरिक भोजन शैली को भी अपने नियमित रूप से समावेश करते रहें। हाँ, हफ्ते में एक आध दो दिन ज़रूर आप ऐसा आहार ले सकते हैं जो रुचिकर हो और जो इस तरीके का असंतुलन में भी हो सकता है, बट जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा के लिए तो हमें एक संतुलित आहार ही लेना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो अगर आपने बच्चों को ये समझाया है तो थोड़े से अलग तरीके से मैं भी बच्चों को समझाना चाहूंगी कि ग्रहण करो अच्छा आहार, दूर होंगे सभी विकार। शक्ति का भंडार है आहार, पौष्टिक लगते हैं अति स्वादिष्ट। खाओगे जब तुम प्रतिदिन फल, होगा तुम्हारा अच्छा शरीर और अच्छा मन। फास्ट फूड से रहो दूर, अपना शरीर मजबूत करो तुम। तो चलिए ये तो हुई बच्चों की बात। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट की तरफ, क्योंकि ये हैं फूड वेव एक्सपर्ट सर श्री कमलकांत भौमिक जी से हम मिलते हैं। तो सर एक और बार आपका स्वागत करना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिरकार माइक्रोवेव होता क्या है। देखिए, माइक्रोवेव एक टेक्नोलॉजी है जी, एक जिसमें हम खाना गर्म कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं। हम जैसे गैस में कोई चीज़ खाना पकाते हैं और माइक्रोवेव में पकाते हैं, तो दोनों में फ़र्क यह है कि गैस में हम बहुत देर तक किसी चीज़ों को हम पकाते रहते हैं, तो उसमें क्या है, जो उसके न्यूट्रिशन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन माइक्रोवेव में बहुत कम समय में खाना पक जाता है, मिनटों में, सेकेंड्स में। तो उसमें क्या होता है कि फूड के जो भी विटामिन्स हैं, उसके जो पोषक तत्व हैं, वो मौजूद रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो भी आप फूड ले रहे हैं वो आपका पोषक तत्व से भरा हुआ होता है। तो उसमें जो है आपका फूड आपके शरीर के लिए अच्छा है। जी, अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहें कि माइक्रोवेव काम किस प्रकार से करता है। देखिए, टेक्नोलॉजी है कि, और ये माइक्रोवेव जो है, क्या कहते हैं, इसके अंदर एक मैग्नेट्रॉन पार्ट होता है जिसकी वजह से कुकिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो भी चीज़ कुकिंग होती है, तो उसका कुकिंग का तरीका यह है कि जब वेव रिलीज होता है मैग्नेट्रॉन से, तो जो वेव होता है उसकी लेंथ होती है आपका 30 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक। तो उसमें क्या होता है कि जब
वेव लेंथ जो वेव्स उसके अंदर किसी भी फूड के अंदर से निकलती है ना, तो उसके अंदर एक वाटर मोलिकुल्स होते हैं किसी भी फूड में जी। अगर वाटर मोलिकुल्स जैसे ही फूड में वो वेव जाते हैं तो उसके अंदर एक फ्रैक्शन होता है, जैसे हम लोग हाथ रगड़ते हैं हाथ गर्म हो जाता है, वैसे ही जो वाटर मोलिकुल्स होते हैं आपस में टकराते हैं, जो घर्षण होता है उससे जो कुकिंग होती है उसके अंदर कोई स्टोरेज नहीं होता। हाँ, जैसे हाँ, कि लोगों की मिथ भ्रांति है कि माइक्रोवेव कुकिंग का खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे सेफ कुकिंग मानता हूं मैं माइक्रोवेव कुकिंग को, क्योंकि बहुत कम समय में वो कुकिंग हो जाती है और उसके पोषक तत्व तो बने रहते हैं जी। ये तो हमने बात की एक्सपर्ट से, चलिए हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब, आपकी राय में माइक्रोवेव कुकिंग कितनी सेफ है? जी वैसे तो ये बिल्कुल सेफ पद्धति है जिसमें कि बहुत कम समय में आप खाना पका सकते हैं, पर इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी आप खाना पका रहे हैं उसको बराबर मात्रा से आप पानी के साथ में पकाएं। हाँ जी। ड्राई उसको नहीं पकाएं और इसमें ज़्यादा ब्राउनिंग करने से बचें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जिसको कि हम कोयला टाइप का काला कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा ब्राउनिंग हाँ ले लेते हैं उसमें, तो उसमें कुछ थोड़ा कैंसरोजेनिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो इसलिए उनसे थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। जी मैम, आज की तारीख में जो हमारी जो न्यू जनरेशन है वो दौड़ रहे हैं सीधे जिम की तरफ। हाँ। और जिम में वहां पर इंस्ट्रक्टर ने बोला कि साहब आप कार्ब से दूर रहिए, आप फैट से दूर रहिए, प्रोटीन लीजिए। आप चले तो उन्होंने ढेर सारे प्रोटीन के शेक्स ले लिए, पी रहे हैं। कितना प्रोटीन एक व्यक्ति को एक दिन भर में लेना चाहिए, किस मात्रा में लेना चाहिए, इस विषय में अगर आप बताएं। देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आजकल ये बहुत बड़ी धारणा है कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो आइडियली जब हम न्यूट्रिशन गाइडलाइंस की बात करते हैं तो उसके अंदर ऐसा दिया गया है हमें गाइडलाइंस कि आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से प्रोटीन लेना चाहिए। तो 1 ग्राम पर केजी का मतलब वह जो व्यक्ति जितने किलोग्राम का है उसको उतने ग्राम का प्रोटीन दिन भर में लेना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उस जैसे आप 55 किलो के हैं तो आपको 55 ग्राम प्रोटीन दिन भर में लेना है। अच्छा जी। अब यदि आप जिम जा रहे हैं हाँ और आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं तो ये जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसको हम 1.2 ग्राम पर केजी तक ले जा सकते हैं। ठीक है। और जो बहुत ज्यादा जो कहना चाहिए कि इस चीज को एज अ प्रोफेशन ले लेते हैं उन केसेस में 1.5 से 2 ग्राम तक भी जाते हैं। एथलीट्स में, स्पोर्ट्स पर्सन में हम 1.5 से 2 ग्राम तक भी जाते हैं। तो ये एक कहना चाहिए आपके लिए एक मैथमेटिक्स है कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। हाँ, शेक्स लिए जा सकते हैं, ये सेफ हैं एक लिमिट तक। उसके ऊपर जाके आप इसका सेवन करेंगे तो ज़रूर से परेशानियां हो सकती हैं। तो हमेशा एक अपना कुशल न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही अपना प्रोटीन को डिज़ाइन करवाएं, किस मात्रा में कितनी कितनी देर में प्रोटीन लेना है वो सब भी वो एक अपने को न्यूट्रिशनिस्ट बता सकते हैं। तो दर्शक मुझे लगता है कि बहुत ही ध्यान देंगे इस बात को कि आपको अपने वजन के अनुसार जितना आपका वजन है उतना लेना है, पोषक तत्व आपको अपनी जो डाइट है उसके अंदर भरपूर मात्रा में लेने हैं, किन किन चीजों में संपूर्ण प्रोटीन होगा कि हाँ चलिए हमने ये चीज खा ली तो आज का हमारा जो डाइट है वो कंप्लीट हो गया। हाँ। वो आप देखिए, जैसे कि हम जानते हैं एनिमल प्रोटीन्स जो होते हैं जो कि हमें जानवरों के स्रोत से पाए जाते हैं, पनीर, दूध, दही, ये सब कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि इसमें सारे ही अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ जैसे चिकन, फिश, एग, ये सारी जितनी भी एनिमल प्रोटीन्स हैं ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स में आती हैं। दालें जो हम शाकाहारी लोग जो खाते हैं दालें, तो ये इनकम्प्लीट प्रोटीन्स में आते हैं क्योंकि इसमें 1 या 2 अमीनो एसिड अनुपस्थित होता है। अच्छा जी। तो इसलिए इसको कॉम्बिनेशन कुकिंग करके हम इसके साथ में कंप्लीट प्रोटीन्स बना सकते हैं। हाँ, ये सेकंड ग्रेड प्रोटीन्स में आते हैं। नट्स हैं, सोयाबीन्स हैं, ये सभी चीज़ें भी प्रोटीन देती हैं, तो शाकाहारी लोग ये सब चीज़ें ले सकते हैं। जो नॉनवेज इंटेक करते हैं वो अंडा, दूध, दही। हमारे साथ हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, अनुष्का जी इंदौर से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। थैंक यू मैम। मेरा ये प्रश्न है कि क्या प्रोटीन जो दालों से मिलता है और जो अमीनो एसिड प्रोफाइल का फर्क रहता है। कुछ एक कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि एनिमल प्रोटीन्स कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं,
और जो दालों वाले प्रोटीन्स होते हैं इसमें एक या दो एमिनो एसिड कम होते हैं, तो ये हमारे लिए मतलब मसल प्रोटीन सिंथेसिस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं। हाँ, कंप्लीट प्रोटीन से आपकी मसल सिंथेसिस बहुत जल्दी हो जाती है। जी, बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बड़े अच्छे से समझाया कि जो दर्शक अगर जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो उनके लिए क्या करना चाहिए, जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें क्या चीज़ लेनी चाहिए। सर, आप ये बताइए कि जो माइक्रोवेव में हम कुकिंग करते हैं तो क्या ये जितने भी न्यूट्रिशंस हैं ये वो लॉक रहते हैं या वो ख़त्म हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लॉक रहते हैं जी, उसमें ख़त्म कुछ भी नहीं होता है। और जबकि बल्कि और मतलब जो भी उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं बिल्कुल बरकरार रहते हैं। उसका जो कलर होता है, जो हम गैस की कुकिंग में कोई भी जो वेजिटेबल है या किसी भी चीज़ का एक कलर जो है वो भी ख़त्म हो जाता है, इसके अंदर कलर भी आपके बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। उसका जो शेप होता है, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं उसका जो शेप है वो भी मेंटेन रहता है जी, जी। और न्यूट्रिशन भी मेंटेन रहते हैं जी। अगर दर्शक ले आए हैं अपने घर में एक माइक्रोवेव, अब पता ही नहीं है कि बर्तन कौन सा डालना है, तो उसके विषय में अगर आप जानकारी दें। देखिए, माइक्रोवेव कुकिंग जो होता है, माइक्रोवेव मोड जो होता है, इसके अंदर तीन मोड्स होते हैं। जैसे अगर आपने कन्वेक्शन माइक्रोवेव परचेस किया है तो उसमें तीन मोड्स होते हैं, माइक्रो होता है, ग्रिल होता है, कन्वेक्शन होता है। अब माइक्रो जो होता है वो वेव्स पे काम कर रहा है, ग्रिल जो होता है वो हीटर पे काम कर रहा है, और कन्वेक्शन वो भी हीटर बेस्ड हो गया। तो माइक्रो जो है वो वेव होने की वजह से, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वेव जब निकलती है तो किसी भी चीज़ को भेदती हुई चली जाती है। हाँ जी। तो भेदने से क्या होता है कि हम मेटल नहीं रख सकते वहाँ पर। ओके, मेटल में कोई भी जो वेव है वो भेदते हुए नहीं जाने की वजह से जो भी आपकी कुकिंग है वो नहीं हो पाएगी। दूसरा, उसके अंदर एक तरह का जो वेव होता है वो जब मेटल के साथ में संपर्क में आता है तो थोड़ा सा स्पार्क होता है, तो वो चीज़ होती है, स्पार्किंग होती है। तो वो आप ग्लास का यूज़ करें, जो माइक्रो सेफ ग्लासेस होते हैं वो आप यूज़ करें, या फिर माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक जी। जो बिल्कुल जो सेफ होता है। हाँ जी। जैसे 5 नंबर प्लास्टिक, उसको बोलते हैं सेफ प्लास्टिक जी, जी। जो पॉली का प्लास्टिक होता है वो जी, जी, वो यूज़ कर सकते हैं आप जी जी जी। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि जैसे जो कप्स वगैरह हम रख देते हैं माइक्रोवेव में जी, उसमें कई बार मेटल एक डिजाइनिंग भी होती जी, है जी, बिल्कुल। वो भी नहीं रखना जी, चाहिए जी, जी, हमें। कई बार मैम ये भी तो देखने को आया कि हमने मिठाई लाए हैं उसके ऊपर जो चांदी का वर्क है वो हमने रख दिया और स्पार्क हुआ एकदम, तो ये लोगों को बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। या फिर किसी बाउल के अंदर जो चारों तरफ, हमने ऊपर की फॉइल तो हटा दिए लेकिन जो चारों तरफ की जो रिंग है वहां पर वो फॉइल लगी हुई और फिर और फिर बोला कि नहीं हमारा तो माइक्रोवेव के अंदर बस्ट हुआ है, स्पार्क्स हुआ है, तो इन छोटी छोटी बातों को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा दर्शकों। आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपनी सेहत को बरकरार रखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास में। डॉक्टर साहब, हमने बात की प्रोटीन कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, अब पता चला कि हम प्रोटीन ले ही नहीं रहे हैं, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने से एक व्यक्ति को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? बिल्कुल, आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं पूर्वा जी कि जैसे 30 या 35 की वर्ष, चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, अशोक जी जबलपुर से, स्वागत है आपका। जरा अब संक्षिप्त में प्रश्न अपना रखिए जी। तो मैडम जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि अभी तो कुछ बीमारियाँ आ गई हैं ऐसी जैसी जिससे बचना बहुत आवश्यक है, तो इसके लिए कौन कौन से विटामिन हमको लेना चाहिए, क्या कैसे उसका उपयोग कर, कैसे खाना चाहिए, मतलब इससे बीमारियाँ से लोग बचे हैं और अच्छे से अपना भोजन यापन कर सकते। जी, विटामिन्स की कमी के कारण बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, तो विटामिन्स किन स्रोतों से लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए? देखिए, विटामिन्स और मिनरल्स सभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हमारी दालें, इन सब में उपस्थित होते हैं, जो आजकल हमें बहुत ज़्यादा कमियों का ये होने लग गया है, प्रॉब्लम आने लग गया है, तो इसका मेन कारण है हमारा खाना जी, जो हम बहुत ही असंतुलित वे में खा रहे हैं। जैसे कि आप देखें कि लोग बग टिफिन में क्या लेके जाते हैं, रोटी और सब्जी, तो ये एक इनकम्प्लीट इम्बैलेंस्ड मील है जी, क्योंकि इसमें दाल, दही, सैलेड, इन सब का कोई भी समावेश नहीं है जी, जी, केवल रोटियों पे ध्यान दिया जा रहा है और बाकी चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये असंतुलन ही हमें डेफिशिएंसीज की तरफ ले जाता है जी जी जी। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आशीष जी। जी आशीष जी, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। मेरा प्रश्न डाइटिशियन मैडम से यह है कि माइक्रोवेव की बात चल रही है, क्या माइक्रोवेव में बनाया जाने वाला खाना पोषक तत्वों की सुरक्षा रखता है, पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं जी?
आशीष जी बिल्कुल, ये पोषक तत्वों को संभाल के रखता है और इसमें पोषक तत्व बने रहते हैं, कोई हानि नहीं होती है और इसको खाना सेफ है। मतलब आप बिल्कुल माइक्रोवेव कुकिंग को कम मत आंकिए, बहुत अच्छी एक टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग सभी के उसके लिए किया जा सकता है, स्वास्थ्य के लिए किया जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज त्योहार का दिन है, लोग दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, इतने सारे प्रश्न हमारे एक्सपर्ट्स के लिए आ रहे हैं। मैम हम आ जाते हैं जल्दी से अपने प्रश्न पर कि प्रोटीन की कमी क्या नुकसान दे सकती है। देखिए सबसे पहले तो हाथ पैरों में कमजोरी आना, पैरों की मसल्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं जिससे चलने फिरने में दिक्कत, घुटनों में प्रॉब्लम, एड़ी में दर्द, ये सभी चीज़ें, कमर में दर्द, बालों का झड़ना, स्किन का डल होना, ये सभी चीज़ें प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो प्रोटीन्स की मात्रा तो हमें लेना ही चाहिए, जैसे कि एक संतुलित आहार में होता है कि आप अपना जब खाना खा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि दही हो, दाल हो, सैलेड हो, सब्जियां हो और फिर रोटी हो। तो यदि बहुत ज़्यादा रोटी के ऊपर जाने से आप बाकी सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और असंतुलन पैदा हो जाता है। जी कहते हैं ना कि हाँ जी बिल्कुल फुल मील होना चाहिए। हम भारत देश में रहते हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ एकमात्र ये देश है जहाँ पर हमेशा से कहा जाता है कि सतरंगी थाली हमारी जो सजा कर हम खाते हैं। जी हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। जी पूछिए आप अपना प्रश्न। हेलो मैम जी, आपने संतुलित भोजन की बात की, संतुलित आहार की बात की, इसमें चुपड़ी रोटी का क्या रोल है? जी, जो घी लगी हुई रोटी का, चुपड़ी रोटी जो हम घी लगा के रोटी खाते हैं उसका कितना रोल है? देखिए जब हम ICMR द्वारा दी गई गाइडलाइंस की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को दिन भर में फैट इनटेक कितना करना चाहिए, 35 से 40 ग्राम। अब जैसे हमारी दाल है, सब्जियां हैं, वो सब तो सब घी तेल सब में छुकी रही हैं, तो अब अलाउंस बचे, आपके पास में तेल घी बच रहा है तो आप अपनी रोटी को चुपड़ लीजिए। यदि आप अलाउंस से ऊपर जाके खा रहे हैं तो ये ज़रूर से आपको नुकसान कर सकता है। तो इसलिए जो आपके घर में खाना बन रहा है उसके ऊपर टोटल फैट का कितना यूज़ हो रहा है, अब बच रहा है तो आप रोटी पे लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए। जी ये हमें ही एनालाइज करना पड़ेगा दर्शकों कि हम कितना फैट इंटेक्ट कर रहे हैं और कितना हमें अपने आप को रोक रहे हैं। दीपक शर्मा जी जुड़ चुके हैं इंदौर से। जी स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। मैम जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको फ्रूट कितनी मात्रा में खाना चाहिए और अगर जूस पीते हैं तो क्या वो सही है? जी हाँ दीपक जी, आपका प्रश्न बहुत ही सटीक है। जैसे डायबिटीज़ के व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, दिन भर में एक फ्रूट पर डे इज़ गुड इनफ है ना, तो इससे ज़्यादा खाने का कोई उसमें फ़ायदा नहीं है। हाँ डायबिटीज़ के व्यक्तियों को जूस नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत होती हैं, इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, तो इसलिए इससे ब्लड ग्लूकोज का जो स्पाइक है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इसलिए कृपया करके जूसेस अवॉइड करें। जी जी बहुत 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 ही मज़ा आ रहा है। कहते हैं ना कि भूख लगने पर जो खाते हैं भोजन वही कहलाते हैं, बिना भूख के भी आजकल हम दिन भर खा रहे हैं, भोजन को कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। तो भोजन खाने के लिए जब कहते हैं तो नाना रंग के भोजन को अपने थाली में भी जो सजाते हैं वही स्वस्थ कहलाते हैं। चलिए आ जाते हैं हमारे फूड वेव एक्सपर्ट की तरफ में। डॉक्टर साहब कह रही हूँ सर, सॉरी, आप ये बताइए कि जो खाना बनाने को कितना सुरक्षित जो हम मानते हैं, लेकिन क्या कभी ये होता है कि इस फूड को हमें इतनी ही देर रखना है, उसकी जानकारी आप कैसे देते हैं? देखिए फूड, हर फूड का एक अलग अलग टाइमिंग होता है, उसकी क्या क्वालिटी है उसके हिसाब से टाइमिंग होती है। जी जी जी। तो उसमें हम क्या करते हैं कि लोगों को ये एजुकेट करते हैं कि आपको जैसे कोई चीज़ आपको बॉईल करना है तो कितनी देर आपको बॉईल करना है, या कोई चीज़ आपको जैसे कि मैडम ने पहले बताया था कि ब्राउन ज़्यादा ना हो जाए या ओवर कुक ना हो जाए, उसकी वजह से जो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे सेहत के लिए ख़राब होता है। तो हमें उतना ही कुक करना है जिसमें वो पक जाए, ओवर कुक ना हो। ओवर कुक हमारे सेहत के लिए ख़राब है, ओवर कुकिंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी। दीपाली जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में भोपाल से, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी दीपाली जी आप सुन सक रही हैं हमें, पूछिए आप अपना प्रश्न। शेफाली जी, ओके शेफाली जी जुड़ी हुई हैं। जी मेरा प्रश्न है। हाँ जी हमें आपकी आवाज आ रही, पूछिए। हाँ
मेरा प्रश्न है कि मैं अगर फ्रिज से डायरेक्ट अगर कुछ सामान निकालूं को उसको माइक्रोवेव में कुक कर सक मतलब उसको गर्म कर सकती हूँ डायरेक्ट? जी, मतलब हमने बिल्कुल ठंडा ठंडा सामान फ्रिज से निकाला है और डाल दिया माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए, तो ये कितना सेफ है, क्या ये हो सकता है? जी नहीं नहीं बिल्कुल, आप उसको बहुत अच्छा प्रश्न है वैसे आपका, और आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी भी जो बर्तन का यूज़ करते हैं, तो जैसे हम ग्लास का यूज़ करते हैं, तो ग्लास जो होता है ठंडा, और हम जब माइक्रोवेव में जब हम उसको रखेंगे तो वो गर्म, तो जैसे हम उसके अंदर रखेंगे तो हो सकता है वो टूट जाए। तो आप कभी भी किसी भी फ्रिज का निकला हुआ सामान को एक नॉर्मल पॉट में आप उसको ट्रांसफ़र करके फिर आप गर्म करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जी, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है गर्म करना। जी, बहुत सारे लोग सिर्फ माइक्रोवेव को रीहीटिंग के लिए ही यूज़ में लगते हैं। जी जी, तो रीहीटिंग करना कितना सेफ है? नहीं, रीहीटिंग करना सेफ है, लेकिन किसी भी चीज़ को बार बार रीहीट करना वो अनसेफ है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपका प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, हाँ जी, जो प्रोसेस्ड फूड को बार बार गर्म करना वो अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल सही, जब मैं इसमें एक दो बात और कहना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम रीहीटिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वाइटमिन्स और मिनरल्स का नुकसान होता रहता है, तो इसलिए कोशिश करें कि जो आपने खाना बनाया है यदि आपने उसको फ्रिज में रखा है तो एक बार गर्म करने के बाद में आप उसका उपयोग कर लें। बार बार रीहीटिंग तो इवन गैस पे भी मना कही जाती है, क्योंकि उसमें हाँ विटामिन्स और मिनरल्स पूरी तरीके से फिर खत्म होने हमारे लगता। बड़े बुजुर्ग भी कहते थे ना कि तुरंत खाना बनाओ और तुरंत वहीं पर खत्म करिए, आप उसको बासी करेंगे फिर उसको गर्म करेंगे तो सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज उसके कम खत्म हो जाएंगे। सर ये बताइए कि माइक्रोवेव के अंदर ऊर्जा कौन सी होती है? यहाँ ऊर्जा मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है, जो एक मैंने आरएफ सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और वो जो वेव रिलीज होता है और वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, जो करीब आपका 2.45 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है वो। जी 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 हाँ। प्रदीप साहू जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। प्रदीप जी स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले अटल जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जी आप सबको भी, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं मैडम से ये पूछना चाहता हूँ कि जो संतुलित आहार है ये तो एक जनरल है, तो पुराना अपन पढ़ते चले आ रहे हैं, उसकी एक परिभाषा है जी। लेकिन अलग अलग अवस्थाओं में बच्चा है, लड़का है, लड़की है, मेल है, फीमेल है, और उसकी एज, इसके हिसाब से संतुलित आहार की परिभाषा क्या बदल सकती है? एक तो ये है, दूसरा ये है कि बदलता मौसम, बदलते मौसम में आदमी के बात कम दोष का अलग अलग प्रभाव होता है ना, तो उस समय संतुलित आहार की क्या परिभाषा हो सकती है? सर्दियों में तो आदमी को फैट की ज्यादा जरूरत होती है ना, जी जी, प्रोटीन भी ज्यादा बॉडी में हो जाए तो दिक्कत जी, करता है, जी, विटामिन जी, भी ज्यादा हो जाए तो दिक्कत करता है, तो आप इसको बताइए मैडम जी। जी चलिए मैम, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। देखिए जब हम ICMR और जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं उसमें जो कहा गया है कि जब आप किसी भी सीज़न को आप फॉलो करते हैं तो उसमें कोई कैलोरी की, कोई प्रोटीन की या कोई फैट की कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है। इवन रिसर्चेज में ये पाया गया है कि एज सच कुछ भी नहीं है कि सर्दी हो गई है तो ज़्यादा फैट खाइए। देखिए यह आपकी सेहत है, सेहत का ध्यान रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो इसलिए ये जो भ्रांतियाँ पहले से चली आ रही हैं इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहूँगी कि बैलेंस डाइट का मतलब है कि कोई भी आयु, कोई भी लिंग का व्यक्ति हो उसको अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं। जैसे कि एक जो नियमित हम कह लें कि महिला का वज़न है, इंडियन फीमेल का वज़न जो अभी लिया गया है 55 kgs है और मेल का वज़न 60 है, तो इनके लिए कार्बोहाइड्रेट की कितनी होनी चाहिए? तो भाई सीडेंट्री, मॉडरेट और हमारा एक हैवी वर्कर है तो इन सब के लिए 3000 तक की कैलोरीज का वर्णन किया गया है, तो हर इस पे अलग रहता है। प्लस इनका प्रोटीन, जो इनका वज़न है उतना प्रोटीन चाहिए, जैसे कि बताया था ग्राम में चाहिए। हाँ जी। और वैसे ही फैट्स का रहता है कि 35 से 40 ग्राम फैट्स चाहिए। तो यानी कि अपन जब सीज़न की बात करें तो उसमें कुछ स्पेशल होना
नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं जी, हमें वही की वही डाइट फॉलो करती रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि बस अब हमें समझ में नहीं आता हम क्या खाएं, तो बस जो मन में आया वो खाते रहें। चलिए, भोजन को चबाकर भी खाते हैं, नाना रंग के खाने खजाने में बहते हैं, खाने को चबा चबा कर खाते खाते समय बातें न करें। भोजन से ताकत है, मिलती रोगों की रक्षा करने की ताकत है, शरीर की वृद्धि भी होती है और स्वास्थ्य की समृद्धि भी होती है। इन सभी बातों के साथ में क्रिसमस की एक बार फिर से आपको बहुत सारी बधाइयां देती हूँ। चलिए एक गाना सुनते हैं और धर्म गुरु की कुछ बातें भी ग्रहण करते हैं। क्रिसमस हमारे उस प्यारे ईश्वर के बारे में है जो अंधेरे और संकट में गिरी मानवता के लिए प्रकाश और जीवन का संदेश लेकर पृथ्वी पर आए। हम मानते हैं कि ईश्वर प्रेम, शांति और सेवा का पाठ पढ़ाने और उसी प्रकार का जीवन जीने के लिए पृथ्वी पर आए थे, ताकि हम उनके आदर्श जीवन से प्रेरणा पाएं, उनकी शिक्षाओं को माने। जो हमारे जीवन को रोशन करता है, वही हमें दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए प्रेरित करता है। क्रिसमस का उत्सव हमें समानता, न्याय और सद्भाव के साथ समाज के कमजोर वर्गों में जीवन और आशा लाने का संदेश देता है। इन्हीं संदेशों को ग्रहण करते हुए क्रिसमस का पर्व हम प्रेम और सौहार्द के साथ मनाए। आने वाला हर दिन आपके जीवन में आशा के किरण लाए। आप सबको क्रिसमस की हार्दिक बधाई और नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु का ये जन्म का संदेश हमें प्यार का संदेश को भी लेकर आता है। प्रभु यीशु क्रिस्त विशेष रूप से उन गरीबों को सर्वप्रथम दर्शन देना चाहते थे। हम भी अपने गरीब भाई बहनों को प्यार करें, उनके लिए सेवा करें, ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के उस प्यार का संदेश को सब जो लोगों तक पहुंचा सके। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं।
पल है खुशियों का, आओ लहराए हम जीवन की सरगम पे धुन ऐसी गाए हम। ये उत्सव अपनों का यूं जश्न मनाए हम, अंबर से तारों को लाके घर को सजाए हम। सभी को क्रिसमस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार प्रेम और समृद्धि का त्योहार है जो हमें एक दूसरे के साथ प्यार और समरसता की भावना में एकजुट करता है। क्रिसमस के इस प्यार भरे अवसर पर आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और आनंद की कामना करती हूँ। प्यार और आनंद से भरा यह खास त्योहार आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए। मेरी ओर से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हमने सुना बहुत ही मीठा सा गाना और सुने एक जो धर्म गुरु हैं उनकी भी बातें सुनी। और आज के नमस्कार एमपी के अंक में हम आपको बता रहे हैं कि संतुलित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, साथ ही साथ में दूसरा एक और विषय हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से माइक्रोवेव कुकिंग स्वास्थ्य के लिए हितकर होती है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे माइक्रोवेव कुकिंग एक्सपर्ट की तरफ। और सर आप ये बताइए कि ओटीजी और माइक्रोवेव में जो एक माइन्यूट सा अंतर है वो क्या है? देखिए ओटीजी जो है वो टोटल ग्रिल बेस्ड है, मतलब हीटर बेस्ड है वो जी। उसके अंदर कोई भी मैग्नेट्रॉन नहीं लगा रहता है, जिसकी वजह से वो हम उसमें सिर्फ हम बेकिंग का काम कर सकते हैं या रोस्टिंग का काम कर सकते हैं। माइक्रोवेव में एक मैग्नेट्रॉन लगा होने की वजह से उसके अंदर हम कुकिंग का काम भी कर सकते हैं जी। हम उसमें रोस्टिंग का काम भी कर सकते हैं, उसमें बेकिंग का काम भी कर सकते हैं जी। तो माइक्रोवेव का काम हम ओटीजी में नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओटीजी का काम हम माइक्रोवेव में कर सकते हैं। चलिए ठीक है। आप ये बताइए कि आज तो क्रिसमस है और मुझे लगता है क्रिसमस और केक दोनों एक अछूते पहलू नहीं है, एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आप उन्हें बताएं कि माइक्रोवेव में केक किस प्रकार से बन सकता है। जल्दी वाली रेसिपी भी हो सकती है और देर वाली रेसिपी भी, ये आप थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों। देखिए जल्दी वाली रेसिपी तो माइक्रो में बन जाती है, जो हम 6 मिनट में हम केक बना लेते हैं, लेकिन जो देर वाली जो होती है वो कन्वेक्शन पे बनती है। तो कन्वेक्शन में जो हीटर बेस्ड होता है और पूरा अंदर जो हीट जनरेट होता है हीटर द्वारा, और उससे धीरे 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 वो पकता है, जिससे करीब 30 से 35 मिनट एक केक को बनने में लगते हैं। ठीक है सर। सीमा सोनी जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ इंदौर से, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। मैं डाइट के बारे में पूछना चाह रही थी। जैसे मैं ब्यूटी एक्सपर्ट हूँ और हम लोग अक्सर काम में बहुत ज्यादा हमारा वर्किंग रहता है, तो हम प्रोटोकॉल प्रॉपरली जो एक डाइट होता है वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी भी स्किन मेंटेन रहे? डेफिनेटली हम बाकी चीजों से तो मेंटेन रखते हैं, लेकिन
डाइट को किस तरह मेंटेन करें। ठीक जी सीमा जी, आपका प्रश्न एकदम बढ़िया है और आज हम ये सब चीज़ें देख ही रहे हैं कि आईटी सेक्टर में और आपके जैसे काम करने वालों का समय बिल्कुल भी नियमित नहीं रहता है, बहुत इरेगुलर मील पैटर्न रहता है। तो इसमें आप एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी खाना खा रहे हैं वो संतुलित हो। आप भले ही लॉन्ग गैप्स में भी खाएं पर वो संतुलित हो, जैसे कि उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल सब होना चाहिए, यानी सब्जी सलाद सब होना चाहिए। ऐसा मत कीजिए कि आज अपन ने चाय और बिस्किट खा लिया और वो हमारा खाना हो गया। ये स्किपिंग ऑफ मील्स हमारी स्किन के लिए, आप तो जैसे ब्यूटी एक्सपर्ट हैं आपको पता ही होगा कि इम्प्रॉपर मील कभी भी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। वही है। तो संतुलित आहार में जो प्रॉपर डाइट होती है उसको मेंटेन करना, नहीं तो लिया ढेर सारा ये भी आने दो वो भी आने दो, ये जो लोग करते हैं इसको थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में लेनी है। वही चीज़ जो मेरे भी मन में आ रहा था, ठंड शुरू हो गई, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं भाई ठंड शुरू हुई है डट के खाइए, आप खूब तला भुना खाइए, ये कितना हितकर है। वही है पूर्वा जी, हम इस चीज को थोड़ा सा अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आजकल हमारा इतना वर्कआउट नहीं रह गया है ना। नॉर्मल गृहिणी कभी भी कोई वर्कआउट नहीं कर रही हैं, जो घर में ही रह रही हैं तो, और जो इनफैक्ट ऑफिस में भी बैठे हैं, जैसे कि सर आप जानते होंगे कि एक चेयर पे बैठे हुए हैं, वर्किंग वर्कआउट नहीं है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा फैट इनटेक करने से बचना चाहिए। हस्बैंड आए ऑफिस से और भाई मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, आप तो भजिए तल दीजिए और वो फिर वो धनाधन आपके पेट में जाते गए ढेर सारे भजिए, नहीं आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। और जितने भी हस्बैंड्स देख रहे हैं उनको भी मैं सलाह देना चाहूंगी कि ये जो आपकी एक डिमांड है ना, ये आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फैट्स का इनटेक हो जाता है। स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है एक फैट का इनटेक, बहुत सारे लोग हमने फैट काट दिया, अब मुझे फैट नहीं खाना, अब मैं दुबला होने वाला हूं, तो नहीं, कितना फैट उनको लेना पड़ेगा? बिल्कुल, जैसे हम देखे कि ICMR द्वारा जो गाइडलाइंस मिली है ना उसमें 40 टू 50 ग्राम्स तक भी फैट का इंटेक है, सो 35 से 40 ग्राम्स इज बेटर चॉइस। तो इतना फैट इंटेक तो आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपके जो हॉर्मोन्स हैं, जो आपके एंजाइम्स वगैरह की रिएक्शंस होती हैं, उसमें फैट इज अ सबस्ट्रेट जी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि फैट होना चाहिए। ऐसा मत कीजिए कि बिल्कुल उबला हुआ खाने लग जाएं, जैसे विटामिन डी, इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो ये जब हम विटामिन डी को कैसे एब्जॉर्ब करवाएंगे यदि आप बिल्कुल भी फैट्स नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए फैट्स कुछ मात्रा में जरूरी है, इसको बहुत ज्यादा आप कट मत कीजिए। ठीक है, ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि नहीं हमें दुबला होना है, प्रॉपर एक वे पर चल के ही आप दुबले हुए अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइए जी। सर आप ये बताइए कि जब आपके पास में लोग सीखने आते हैं, आप क्लासेस लेते हैं, आप उनको कैसे सिखाते हैं? लोगों को पता ही नहीं है, लोग ये कहते हैं कि माइक्रोवेव के अंदर हम कुछ नहीं बना सकते, तो क्या घी बन सकता है, क्या दूध उबल सकता है, क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर सारी चीजें, मतलब जो हम गैस पर करते हैं वो सारी चीज़ें हम माइक्रोवेव में कर सकते हैं। सिर्फ माइक्रोवेव में हम दो चीज़ें नहीं कर सकते, हम एग बॉईल नहीं कर सकते और डीप फ्राई नहीं कर सकते, इसे पूरी नहीं तल सकते। बाकी जो भी आप गैस पे बनाते हैं वो सारे काम आप इस पे कर सकते हैं, आप माइक्रोवेव को। अब तो बहुत सारे मार्केट में अच्छे अच्छे माइक्रोवेव्स भी आ गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में आ गए हैं, तो इसमें आपका कोई भी चीज आप बना सकते हैं। जी जी जी, हाँ, जी बिल्कुल। इसके साथ ही हाँ मैं आपको एक और चीज बताऊं, कभी भी एग बॉईल मत कीजिए माइक्रोवेव में, इनफैक्ट उबला हुआ अंडा भी मत रखिए क्योंकि वो ब्लास्ट कर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, तो इसलिए एग्स के लिए खास ध्यान रखना चाहिए माइक्रोवेव का। सर आजकल की जो दुनिया है, हम मीडिया से जुड़े हुए हैं, बिना फोन के तो मुझे लगता है किसी की भी जिंदगी नहीं चल सकती, माइक्रोवेव के पास में मोबाइल या फिर कोई भी जो मैग्नेटिक जो आइटम है वो रखना कितना सेफ है या नहीं है वो बताएं। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माइक्रोवेव टोटल सेफ रहता है जी? ना तो उसमें से वेव्स बाहर आती है ना बाहर से अंदर कुछ जाती है, उसके अंदर जो एक सेफ नेट लगा रहता है उसकी वजह से अंदर की वेव्स भी बाहर नहीं आती, तो इसलिए कहीं से भी कोई भी हानिकारक नहीं है, आपके सेहत के लिए खराब नहीं है जी। और घर में जब हम अपने किचन में रखते हैं, गैस से कितनी दूरी होनी चाहिए, जो दीवार पीछे की उससे कितनी दूरी होनी चाहिए? देखिए माइक्रोवेव में एक पीछे आप बिल्कुल सटा के रख सकते हैं, लेकिन पीछे माइक्रोवेव के एक डॉट लगा रहता है जिसकी वजह से अपने आप ही कंपनी देती है। अच्छा जी, कि उस कितना दूर रखना है उसी हिसाब से पीछे एक डॉट बना रहता है जो दीवार से बिल्कुल
चिपकता नहीं है तो थोड़ा सा गैप बना के ही रखता है वो जी, 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 तो ये आपको कोई दिक्कत है उसमें कोई समझने वाली बात नहीं। हाँ, गैस के और माइक्रोवेव का डिस्टेंस थोड़ा सा दूर ही होना चाहिए क्योंकि अगर जैसे आप गैस का यूज़ कर रहे हैं तो गैस में जो फ्लेम होती है और बहुत सारा जब हम कोई चीज़ कुकिंग करते हैं तो उसका जो ऑयल का और इस सब चीज़ों का जो पूरा एक पॉल्यूशन होता है वो सब उसके ऊपर आ जाता है तो वो ठीक। हमारे साथ हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, रेणु यादव जी, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न ये है कि जो अपन माइक्रोवेव में दाल बाटी बनाते हैं जी जी जी, वो मेरी ना हमेशा कड़क हो जाती है, तो सर उसके लिए कुछ बताएं आप। देखिए, बाटी ज़्यादातर जो बनता है वो बेकिंग है, ये बेकिंग करते हैं इसको हम, तो अगर हम कन्वेक्शन पर इसको हम कुकिंग करते हैं इसकी इसको बेक करते हैं तो कभी कड़क नहीं होगी। हाँ, क्या होता है, हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग कन्वेक्शन पर जब हम उसको प्रीहीट करते हैं, प्रीहीट करने के बाद उसके बाद हम बाटी को अंदर रखने जाते हैं तो जो एंड हो जाता है तो माइक्रोवेव जो है वो माइक्रो मोड में चला जाता है। तो माइक्रो मोड में जाने के से क्या होता है कि हमने उसी में टाइम दिया और जब स्टार्ट करते हैं तो बाद में जो बाटी आती है वो हार्ड हो जाती है। तो माइक्रो में क्या है कि बहुत जल्दी कुकिंग होती है, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी ओवरकुक हो जाती है तो वो इस वजह से बाटी आपकी जो है हार्ड हो जाती है। तो ध्यान रखें कभी भी जब हम कौन किस मोड पर वो चीज़ हम बना रहे हैं उस मोड का ध्यान रखते हुए प्रीहीट के बाद फिर से आप कन्वेक्शन का बटन दबाएं और उसको 230 डिग्री पर हम बाटी बनाते हैं, उसको 20 मिनट के लिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी बाटी आपकी हार्ड नहीं होगी जी। अच्छा सर, उसका कुछ मतलब जो अपन माइक्रोवेव में बाटी बनाते हैं तो उसके आटे और गैस पे जो बाटी बनाते हैं दोनों आटों में कुछ डिफरेंस होता है क्या? नहीं नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है जी, बल्कि माइक्रोवेव की में कन्वेक्शन में बाटी और स्वादिष्ट बनती है जी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि हमने प्रीहीट किया उसको कन्वेक्शन मोड पर जब डाला है तो आपको उसको फिर ऑफ नहीं करना है, ढक्कन खोल के सीधे रखना है 20 मिनट के लिए, और बीच में भी चेक करना है तो सीधे ढक्कन ही खोलना है। ऑफ करने के बाद तो फिर से हमें उस मोड पर जाना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि वो जैसे ही ऑफ हुआ वो माइक्रोवेव मोड पर चला गया और हमने फिर से रख दिया, सोचा कि कन्वेक्शन पर है और वहां पर हार्ड हो गया था। जी 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 मैम, आप ये बताइए कि जो बाजार में हम खाना खाते हैं ये हमने बाजार से लेकर आ गए और इसको फिर हमने जो बाजार का खाना है इसको माइक्रोवेव पर डाला, तो ये फिर स्वास्थ्य के लिए कितना हितकर है, हमें उसको डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कंटेनर का ध्यान रखें कि जो वो आपको बाजार वाले जो कंटेनर्स आ रहे हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, तो उसको एक ही बार आप माइक्रोवेव करें, बार बार उसमें माइक्रोवेव नहीं करें, और गर्म कर ही रहे हैं तो एक ही बार में आप उसको गर्म करके फिर उसको उपयोग कर लें, रीहीटिंग से बचे जी। वो हमेशा ही हमारे जो टेक आउट आजकल जो पॉलिसी चल रही है, जैसे घर पे बुला लिया तो वो जो कंटेनर है वो उतना ज्यादा मतलब होटल्स में जो प्लास्टिक के कंटेनर से वो माइक्रोवेव में माइक्रोवेव प्रूफ नहीं होते, वो सिर्फ एक बार के लिए होता है कि आप एक बार गर्म करें और उसको फिर। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि 2023 को हमारी जो सरकार है पूरा विश्व मिलेट ईयर के रूप में मना रहा है, तो एक प्रति व्यक्ति मिलेट की कितनी मात्रा हमारे दिन भर के अंदर जो शरीर में हमें जाना चाहिए, हमें कितना इंटेक्ट करना चाहिए और कितना फायदेमंद है मिलेट्स? देखिए, मिलेट्स आजकल बहुत ज्यादा चलन में है और जो इसकी क्वांटिटी है इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये सीरियल्स है, यानी कि हमारे अनाज का एक हिस्सा है। तो जैसे हम रोटी खाते हैं उसकी जगह पे आप मिलेट्स को रख सकते हैं, पर क्या उससे दही, दाल, सलाद, सब्जी, इन सब का कहना चाहिए कि वो हम अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अपने फूड में यदि वीट का रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप उसकी जगह मिलेट्स रख सकते हैं, पर ऐसा नहीं कीजिए कि पूरा ही मिलेट का ही भोजन बन रहा है, उसके अंदर दाल वगैरह नहीं है, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है कि भाई दिन में तीन बार आप मिलेट्स ही खा रहे हैं और दाल, दही और बाकी सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये संतुलन नहीं है जी। डायबिटीज़ आजकल मुझे लगता है हर दूसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ की शिकायत है, एक डायबिटिक मरीज़ जो है उसको दिन भर में कितना मिलेट और कौन सा वाला मिलेट खाना है जो उसकी सेहत के लिए हितकर हो? देखिए, कितना तो वही चीज़ है कि आप रोटी या चावल की जगह
उसको खा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कितनी बार खाना चाहिए, तो भाई दिन में एक या दो बार, उससे ज़्यादा नहीं। कौन सा वाला मिलेट अच्छा है, तो देखिए जो भी आप मिलेट ले रहे हैं उसके बड़े दानों को इस्तेमाल कीजिए, आप उसको बहुत ज़्यादा बारीक मत पीसिए, क्योंकि बारीक पीसने से इसका अमाइलेज कंटेंट जो है, अमाइलोज जो इसका स्टार्च है, वो बहुत फ्रजाइल होता है और उससे ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाता है। तो इसलिए बेटर है कि आप इसके मोटे दानों को इस्तेमाल कीजिए, इसका फ्लार बना के, और उसको एकदम आटा बनाने और रोटी बनाने की कोशिश में ना लगें। ऐसे ही हो रहा है आजकल, जैसे हाँ, बिल्कुल वीट की जगह सब ज्वार की रोटी खा रहे हैं। अगर थोड़ा सा मोटा अगर अनाज होगा, हाँ जी, हाँ जी। अगर बिल्कुल बारीक आटा कर लोगे तो वो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जी, हाँ, जी, थोड़ा सा उसके अंदर जी, मोटे अनाज की रोटियां हम लोग खाते ही थे, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, अब हम उसके ऊपर से कूद के सीधे मैदे पर आ गए। आजकल जैसे मल्टीग्रेन आटा चल रहा है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करके और उसको पिसवाते हैं और फिर वो फाइबर्स वगैरह मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल अमूमन देखने को मिलता है गरबा हो रहा है, शादी के अंदर डांस हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है, हम पेपर्स में देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, बड़ा ही मन को दुखित हो रहा है कि अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। यही चीज़ जो मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में भी बोली थी कि कुछ समय पहले हमने राजू श्रीवास्तव जी को खोया था, तो जल्दी से अगर आप ये बताएं कि क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। देखिए, जब भी हम कोई भी कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं, गरबा खेलना है या डांस करना है, तो आपको उसको स्लोली अपने हार्ट रेट को थोड़ा सा ऊँचा लेके जाना चाहिए। ग्रेजुअल वार्म अप टाइप की जो चीज़ होती है, जो हम एक्सरसाइज में बोलते हैं, वैसा करना चाहिए। एकदम से सडन एक्टिविटी में नहीं पड़ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी कार्डियक मसल्स इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो एकदम कोई भी सडन कार्डियक एक्टिविटी करने से उनमें कई बार स्पैज़म आ जाता है और वो कार्डियक अरेस्ट में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ट्रिब्यूटरीज बनती नहीं है इनके, मतलब वेसल्स इतनी अच्छी होती नहीं है, तो इसलिए इन लोगों को बहुत जल्दी से कार्डियक, ये बहुत ही एक दुखद चीज है जी, जो जी, अब जी, होने लग गई है जी, जी, पर इसके लिए अभी डॉक्टर्स भी इसके ऊपर काफी रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सर, जल्दी से आप ये बताइए कि माइक्रोवेव खरीदने जाएं, कौन सी चीज सबसे पहले देखें, वही माइक्रोवेव खरीदें। देखिए, माइक्रोवेव बहुत सारी कंपनियों के मार्केट में आते हैं, लेकिन कंपनी वो चयन करें जिसकी सर्विस अच्छी मिले आपको, ठीक है, और आपको चलाने में आसान हो। ठीक ठीक, मेन वही है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों से एक बात मैं खुद कहना चाहूंगी कि बच्चों, आज मैं बताती हूँ आपको एक बात महान, पौष्टिक भोजन देता है जीवन दान, करता है स्वस्थ शरीर प्रदान, है इसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान, उसी ने दिया है हमें जीवन का वरदान। तो अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, क्योंकि अगले सोमवार को साल की शुरुआत करेंगे हम, ये साल का आखिरी हफ्ता चल रहा है, और अगले सोमवार को मैं आपके साथ उपस्थित होंगी साल के नए दिन पर। आज हमारे साथ उपस्थित है हमारी डाइटिशियन मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी, साथ ही साथ हमारे माइक्रोवेव फूड हेल्थ एक्सपर्ट, नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, आप देखना ना भूलिएगा, सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से 9 बजे तक हम आपके लिए लेकर आते हैं नमस्कार एमपी के खास अंक। चलिए, अगले अंक में फिर करती हूँ मैं मुलाकात, तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ, नमस्कार।